नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेषर। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपके दिन की प्लानिंग कैसे बेहतर हो, कैसे आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजरे, और इसके लिए हम आपको छोटे छोटे टिप्स बताते हैं और आपका राशिफल भी आपको बताते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति, सुप्रभात, सभी का दिन मंगलमय हो। तो चलिए अपने शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है। संवत 2076, माह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है, तिथि सप्तमी है, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, नक्षत्र धनिष्ठा पंचक आज है, राहु काल सायं 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगा। इस बीच में शुभ कार्य नहीं करने हैं। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी पश्चिम दिशा की ओर है यात्रा, टाल देनी चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। कोशिश करिएगा कि इस बीच आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं पहली 6 राशियों का राशिफल। मेष राशि, इस सप्ताह की गई मेहनत जाया नहीं जाएगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। शिक्षा के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा है। बच्चों को जो भी विषय कमजोर हो उस पर ध्यान देना चाहिए। ट्यूशन वगैरह लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं ताकि नींव मजबूत हो जाए। वीकेंड में आलस बहुत अधिक रहेगा, इससे आपको बचना चाहिए। मन ना हो तो भी कार्य में ही फोकस करिए। वृष राशि, इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखना है। फायरी प्लैनेट्स आपके मुख में आग बरसा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ कहे आप बहुत तीखा बोल सकते हैं, इसलिए बहुत धैर्य से और मधुरता के साथ ही बातचीत करें। जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए आपको लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए और परिचितों से बातचीत भी करनी चाहिए। इस सप्ताह हो सकता है कि आप दूसरों को परखने में धोखा खा जाएं, इसलिए बहुत ज्यादा विश्वास मत करिए। आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करनी है। मिथुन राशि, इस सप्ताह पानी का अधिक से अधिक सेवन करिए, बॉडी को डिहाइड्रेट रखिए और स्किन से संबंधित परेशानी होने की आशंका है। घर से संबंधित कोई भी बड़ी वस्तु खरीदी जा सकती है। यह समय गृहस्थी का सामान खरीदने का है, कुछ भी घर का सामान हो वो आप खरीद सकते हैं। इस सप्ताह भगवान विष्णु को प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए, श्री हरि आपके सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। कर्क राशि, इस सप्ताह दूसरों की मदद के लिए आप सदैव तत्पर रहें। दूसरों की मदद करने से आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि आपको लगता है कि छोटी छोटी चीजें आप भूल जाते हैं तो अपने आहार में पोषक तत्व बढ़ाइए, साथ ही महत्वपूर्ण कार्यों को डायरी में नोट कर लीजिए। यदि घर में काफी समय से कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ है, कोई पाठ नहीं हुआ हो, कोई कथा नहीं हुई है, तो वो भी करा लीजिए। और ऐसी चर्चा भी अगर हो रही है कि करानी चाहिए तो बिल्कुल करा लीजिए। सिंह राशि, इस सप्ताह कैरियर के दृष्टिकोण से नए अवसर मिल सकते हैं। सभी अवसर और ऑफर जो आपको मिले उसको अपने वरिष्ठों से जरूर डिस्कस कर लीजिए, तभी ज्वाइन करिए। मन विज्ञापन के जाल में फंस के आपका कुछ खर्च करा सकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत के हिसाब से ही आप काम करिए, वरना दिक्कत हो सकती है। सप्ताह में काम का लोड अधिक रहेगा, थकान रह सकती है, तो यदि आपकी दिनचर्या में अगर योग नहीं जुड़ा हुआ है तो योग जोड़ लीजिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। कन्या राशि, परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। छोटी बहन की उन्नति के द्वार भी खुल सकते हैं। बच्चों की संगत खराब हो सकती है और बच्चों की बैड हैबिट्स पे निगाह रखनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सीख लेंगे। इस सप्ताह माइग्रेन जैसी दिक्कत हो सकती है, अगर आपको सिरदर्द रहता है तो अपना ध्यान रखिए
और नींद पूरी कर लीजिए, क्योंकि नींद ना होने के कारण भी ऐसी समस्या हो जाती है। तो ये था पहली 6 राशियों का राशिफल। आपका सप्ताह कैसा गुजरेगा, पूरे वीक की प्लानिंग कैसे करें, ये हमने आपको बताया। वक्त है सवाल लेने का, क्योंकि दर्शकों के सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और आपको भी ये जानकारी दे दें कि आपकी कोई समस्या है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, तो हमारी मेल आईडी लगातार आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इस पर आप मेल के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज जो सवाल आया है चंचल थापा का है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1999, रात 12 बजे का जन्म है कानपुर में। सवाल इनका यह है कि बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हैं, करियर में किस ओर तैयारी इनको करनी चाहिए। बिल्कुल, चंचल थापा का प्रश्न है कि ये बीए की छात्रा हैं, किस ओर तैयारी करें। मिथुन लग्न है इनकी और वृश्चिक राशि है, और समय अभी केतु की महादशा चल रही है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए चंचल जी की कुंडली में 2 तरीके के करियर डेवलप हो सकते हैं। एक तो ये लॉ की फील्ड में जा सकती हैं, यानी LLB वगैरह कर सकती हैं, और दूसरा कला के क्षेत्र में जा सकती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें पे आप देखिए किस ओर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। जो चीज़ आपको सरल लगे वही चीज़ करिए, क्योंकि बुध की वजह से बहुत ही ज़्यादा कलात्मकता बढ़ी हुई है, और आगे चल के आपको लॉ तो एक बार मुझे लगता है आपको करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में लॉ से भी नए आयाम खुलेंगे आपके। लेकिन अभी समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, इसके उपाय के लिए कुछ विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तकें, कम से कम 108, ये लोगों में वितरित कर दीजिए, मंदिर में कर दीजिए, कोई पाठ करने वाला व्यक्ति हो, ब्राह्मणों कर दीजिए, जो भी योग्य लगे उसको आप बांटिए, बस इतना ही कार्य करिए। तो चंचल जी ने जो सवाल हमसे पूछा उसका जवाब आपको मिल गया होगा। आशा करते हैं कि आप अपना करियर अब उस हिसाब से आगे चुन पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि हर रविवार हम शनि से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। आज क्या वो खास बातें हैं जो शशि जी हमें बताएंगे, ये जान लेते हैं। जब से ये कार्यक्रम ABP गंगा में प्रारंभ हुआ है, तब से हर रविवार को हम शनि से जुड़ी हुई आपको बहुत खास बातें बता रहे हैं। आज शनि से जुड़ी हुई खास बात बताते हुए शनि की 7.5 के विषय में सभी लोग परिचित हैं, और शनि की 7.5 में काले घोड़े की नाल का छल्ला पहनने की सलाह दी जाती है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि काले घोड़े की नाल का छल्ला का शनि से क्या संबंध है? आखिर शनि की 7.5 में काले घोड़े कि नाल का क्या कनेक्शन है? शनि की 7.5, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यह एक ईश्वरी ऑडिट है, यानी शनि देव कर्मों की जांच करते हैं, और जैसे कर्म किए होते हैं शुभ और अशुभ कर्मों का फल आपको उसी हिसाब से देते हैं। शनि कर्मठ है, बहुत मेहनती है, और इन्हें मेहनत करने वाले लोग ही पसंद हैं। इसी कारण जो अश्व है यानी घोड़ा, वो शनि का प्रतिनिधित्व करता है। अब काला घोड़ा जो बताया गया है, वो काला भी शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है, और घोड़ा भी शनि का कारक है। अगर गंभीरता से देखा जाए तो जो घोड़ा मेहनत करता है उसका पूरा शरीर मेहनत नहीं करता, पैर दौड़ रहा है, पूंछ तो दौड़ नहीं रही। जैसे घोड़े की पूंछ है, घोड़े के कान हैं, शरीर के तमाम अंग हैं जो उतनी मेहनत नहीं करते हैं। अब सब लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर इस घोड़े को थोड़ा जूम करके देखिए तो ये देखेंगे कि घोड़े के पैर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यही दौड़ रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि घोड़े के पैर दबाने से बहुत खुश होता है, घोड़ा कभी बैठता नहीं है, क्योंकि वो कर्मठ है। अब पैरों को जूम करते हैं तो आप ये देखोगे कि पैर के निचले हिस्से में, जिसको खुर कहते हैं,
ये सबसे ज्यादा घिस रहा है, रगड़ा जा रहा है। फिर जब इस खुर को जूम करके आपने देखा तो ये एक लोहे का, जो इसको नाल कहते हैं, ये सबसे ज्यादा घोड़े और इस भूमि के बीच में घिस रहा है। इतना घिस रहा है कि उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं। यानी ऋषि ये बताना चाह रहे हैं कि जो घिसते घिसते उसकी कीलें घिस जाएं, यानी इतना दौड़ चुका हो घोड़ा, वो नाल जब अपने आप निकल आए, फिर उसको आप पीट कर, यानी अभी पीटना बाकी है, उसको पीट कर आप शनि की उंगली यानी मध्यमा में आप धारण करिए सीधे हाथ में। ये जो पूरा जो रहस्य है, वो रहस्य ये है कि लेबोरियस चीज से आपको कनेक्ट किया जा रहा है, यानी शनि के साढ़े साथी में आपको काले घोड़े की नाल का सानिध्य दिया जा रहा है। यानी हमको ये भी ध्यान रखना है कि केवल छल्ला ही पहनने से काम नहीं होगा, ये तो एक सिंबॉलिक बात है। यानी हम मेहनती लोगों के साथ कनेक्ट रहें, खूब आलसी लोगों के साथ नहीं रहें। तो ये जो घोड़े का जो चार्ज हो गया, ये धातु लोहे से चार्ज है, मेहनत करके चार्ज है, तो ये आपको लेना है। और ये शरीर में टच होने का मतलब ये है कि आप खूब मेहनत करें, खूब श्रम करें और शॉर्टकट नहीं ढूंढें। तो इस जो प्रक्रिया मैंने बताई, इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर काले घोड़े की नाल का छल्ला क्यों पहनाया जाता है। इसी के आगे चलते हैं कि श्री कृष्ण ने पीपल के वृक्ष के लिए बड़ी तारीफ लिखी। गीता के विभूति योग में भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया है कि सभी वनस्पतियों में मैं पीपल हूं और देव ऋषियों में मैं नारद हूं। पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने को बताया जा रहा है, तो उसका कारण यह है कि जिस समय सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगे, यानी शाम को रात में, उस समय आप दिया जलाइए। दिया जलाना एक रिचुअल प्रक्रिया है, लेकिन मेन चीज है कि आप पीपल के सानिध्य में आइए, ऑक्सीजन लीजिए। तो और इस समय कृष्ण ने कहा है कि मैं ही पीपल हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो ये चीज समझनी है कि ऑक्सीजन के संपर्क, ऑक्सीजन ही प्रसन्नता है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो उलझन होने लगेगी। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी ग्रीनरी में या प्राकृतिक जगह जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो दो चीज बताइए, काले घोड़े में आपको बहुत मेहनत करनी, यानी मेहनती बनना है, और ऑक्सीजन लेनी है, खूब ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी है। शनि की प्रतिमा का दर्शन करना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं बताया गया, सिंबॉलिक उपासना बताई गई है। क्योंकि मूर्ति होगी अगर तो दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी तो शनि की दृष्टि तो घातक है। तो सिंबॉलिक उपासना होगी, पीपल के वृक्ष पे आप खूब अच्छी ऑक्सीजन लीजिए और खूब मेहनती हो जाइए, शनि के साढ़े साथी बहुत स्मूथली निकलेगी। तो शनि को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने आपको साधारण तरीके से बताई है। अगर शनि की साढ़े साथी आप पर चल रही है तो जो आपको बातें बताई हैं उन्हें आप ज़रूर करिए ताकि शनि की साढ़े साथी अच्छे से गुजर जाए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे बाकी बची 6 राशियों का राशिफल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अगली 6 राशियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल हम ले लेते हैं। दर्शकों के सवाल लगातार हमें मिल रहे हैं। और अब जो सवाल है वो है शालू का। शालू लांबा पूछ रही हैं, 30 नवंबर 1992 डेट ऑफ बर्थ है, रात 1:30 बजे का जन्म है, कानपुर में। सवाल यह है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बहुत लगी रहती हैं और इसको लेकर काफी परेशान है। शालू लांबा का प्रश्न है स्वास्थ्य से संबंधित। कन्या लग्न है, मकर राशि है, शनि की साढ़े साथी शुरू हो चुकी है, राहु की दशा चल रही है। शालू जी, आपका जो प्रश्न है स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगातार आप
के शरीर में फैट की मात्रा बढ़ा देंगे। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इसको बहुत ध्यान रखिए, इसको कंट्रोल करके रखना होगा। इसके साथ ही जो शनि की साढ़े साथी चल रही है, इसमें वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपने शरीर के प्रति कितनी लॉयल हैं। क्या आप पैर की केयर कर रही हैं, आप अपनी कमर की केयर कर रही हैं? नहीं तो क्या होगा कि आपको कमर में पेन होने लगेगा, कमर दर्द होने लगेगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाइए, खूब काम करिए। अगर आप कैरियर में हैं तो दौड़ा भागी है, घर में हैं तो घर का पूरा काम करिए। जितना ज़्यादा आप अपने को तपाएंगी उतना स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और जो भी एक्सरसाइज वगैरह वो नियमित करिए। एक उपाय आपको करना है जो कि अपने वजन के बराबर, किसी भी संक्रांति को अपने वजन के बराबर जौ का एक तुला दान कर दीजिए। इसको आप एक बार करना है बस। तो एक बार किसी भी संक्रांति में, हर महीने संक्रांति पड़ती है, उसमें वजन के बराबर तुला दान कर दीजिए। वो ब्राह्मण को आप बताएंगे तो वो अपना संकल्प लेके उसको ले ले, ये उपाय कर ले। तो शालू जी के सवाल का जवाब हमने दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों के राशिफल के बारे में। तुला राशि, जिन बच्चों की गणित कमजोर है वो इस सप्ताह गणित पर फोकस करें। यदि ट्यूटर की जरूरत महसूस हो रही है तो वो भी लगवा लीजिए। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। जो लोग बहुत अच्छी डाइट नहीं लेते हैं वो लोग अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखें। भविष्य की बात को लेके आज का समय खराब ना करें, अपना काम करते रहिए, फ्यूचर अपने आप ठीक होगा, प्रेजेंट प्लान करिए। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह कुछ आर्थिक उधेड़बुन में ही निकल जाएगा। मंथ एंड में जाके कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। यदि कोई बीमा का प्रीमियम वगैरह आपको देना है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको दे दीजिए। थोड़ा हाथ टाइट होगा लेकिन देना है। आर्थिक समस्याएं अपनी जगह हैं लेकिन भीतर का आनंद कम नहीं होना चाहिए। अभाव में रहना पड़े वो अलग बात है, लेकिन जो भी है उसको इंजॉय करना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह के अंत में चीज़ें सुखद होती चली जाएंगी। परिवार के साथ कहीं अगर घूमने का प्लान हो तो वो भी घूम सकते हैं। धनु राशि, इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप सेहत पर ध्यान दीजिए। ऑफिशियल काम तो जो है वो ठीक है, लेकिन सेहत बहुत जरूरी है, क्योंकि रोग जैसी स्थिति बनी हुई है आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो अपने खान पान पर ध्यान रखिए, क्या खा रहे हैं, कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है। जो लोग अक्सर ऑफिस जाते समय नाश्ता नहीं करते हैं या कम खा के जाते हैं, ये ठीक नहीं है। घर से निकलते समय भरपेट नाश्ता करके जाइए, नहीं तो आपका काम करने मन नहीं लगेगा। और इस समय पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्लैनेटों की स्थिति एनर्जी को ड्रेन बहुत तेज़ी से कर रही है। मकर राशि, बच्चों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। खूब मस्ती करें, कला सीखें, कला का ज्ञान लें, आर्ट क्राफ्ट क्रिएटिव कार्यों में रुचि रहेगी उसको सीखें। कार्य क्षेत्र में काफ़ी ऊर्जा है, ऑफिस में खूब काम करिए, इस अवसर को अपने हाथ से जाने भी नहीं दीजिए। ऑफिस के महत्वपूर्ण कागज आपको अगर मिलते हैं, आपके पास रहते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि वो चोरी हो सकते हैं या मिसप्लेस हो जाएं। कुंभ राशि, प्रोफेशनल होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन हर बात पे प्रोफेशनल हो जाएं ये ठीक नहीं है। इस सप्ताह आपको कुछ खास लोगों के साथ थोड़ा परमार्थ करना है। ठीक है, हर चीज़ प्रोफेशनल नहीं होती। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उनके लिए मन एकाग्र करके केवल पढ़ाई में ही फोकस करने का समय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। यदि उनकी दिनचर्या अव्यवस्थित है, बेटाइम खा रही, बेटाइम सो रहे हैं, तो उसको उनको सलाह दीजिए कि वो ऐसा ना करें। मीन राशि, स्त्रियों का सम्मान करें, उनकी मदद करें। महिलाओं का सहयोग और उनकी शुभकामनाएं आपको बहुत लाभ देंगी। इस सप्ताह कुछ धर्म कर्म भी कर सकते हैं,
जैसे कहीं मंदिर जाना है वो भी जा सकते हैं, देव दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, वहाँ थोड़ी देर बैठें, सहकर्मियों के साथ उतना ही मजाक करें जितनी आवश्यकता है और उम्र देखकर मजाक करें, वरना वो बुरा मान सकते हैं। तो ये था बाकी बची 6 राशियों का राशिफल। आज हमारे शो में हमने आपको शनि से जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी दी, साथ ही साथ आपका साप्ताहिक राशिफल भी हमने आपको बताया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित। जय गणपति। सभी का दिन मंगलमय हो, खूब आनंद करें। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।